तो दोस्तों यदि आप भी एक एईपीएस संचालक है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप भी अगर एईपीएस सर्विस यूज करते होंगे या माइक्रो एटीएम सर्विस यूज करते होंगे तो आपको ही बैंक जाने की जरूरत पड़ती होगी, बैंक से कैश लाने की जरूरत पड़ती होगी। तो यहाँ पर क्या क्या बैंकों का जो कुछ वर्किंग हावर्स है इसमें कुछ चेंजेस कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप सुनो पता है कि आज पूरे देश में जो कोरोना का माहौल वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कोरोना के मरीज वो काफी तेजी से मतलब बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बैंकों ने कुछ निर्णय लिया, कुछ यहाँ पर बदलाव किया गया, कुछ बैंकों ने मिलकर यहाँ पर कुछ निर्णय लिया अपने में कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो बैंकिंग हावर्स होता था 10 से लेकर 5 के बीच में, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया 10 से लेकर 2 के बीच में ही कर दिया। और ये जो किया ये 23 अप्रैल से लेकर 15 मई तक किया गया है, ये 23 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो बैंकिंग हावर्स होगा वो 10 बजे से लेकर 2 बजे ही चलेगा। तो बस आपको यही छोटा सा जानकारी शेयर करना था। हालांकि इसके लिए मैंने कुछ दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल को ही पोस्ट किया था ग्रुप में कि मैंने बताया था कि जो बैंकिंग हावर्स था आपका 10 से 5 था वो अब 10 से 2 ही रहेगा और ये 15 मई तक रहेगा। तो इसमें मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे, जितने मेरे मतलब मेंबर्स ग्रुप में ज्वाइन किए थे उनको ये नोटिफिकेशन मिल चुका हुआ था, बट यहाँ पर क्या था जितने मेरे सब्सक्राइबर थे उनको ये जानकारी नहीं थी। तो मैंने सोचा आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको ये जानकारी शेयर किया जाए कि यहाँ पर बैंकिंग हावर्स में कुछ बदलाव किया गया। यदि आपको बैंक जाना है, बैंक से कैश वगैरह लेना है, तो आपको 10 से 2 के बीच में एक काम कर लेना है। क्या होता था, काफी एईपीएस संचालक ऐसे थे जो कि 10 से यानी कि सुबह से लेकर 2 बजे तक वो काम करते थे और 2 बजे के बाद वो बैंक से जाकर अपना कैश विड्रॉल करते थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, उनको पहले ही कैश विड्रॉल करना है, ऐसे में उनको काफी दिक्कतें होने वाली है। उनको सुबह ट्रांजेक्शन करना है और 12 से 2 बजे के बीच में अपना जो भी कैश विड्रॉल करना वो कर सकते, क्योंकि 2 बजे बाद बैंक बंद हो सकता है और बंद होने के बाद बंद हो सकता नहीं बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद जो आपका एईपीएस ट्रांजेक्शन है वो बंद भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, भारी मात्रा में कैश उठा लें ताकि आप 2 बजे के बाद भी अपना ट्रांजेक्शन कर सकते, क्योंकि कस्टमर क्या है 2 बजे के बाद ही पैसा निकालते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है आपके एईपीएस सेंटर पे काफी भीड़ भी हो सकती है। तो आपको यही छोटा सा जानकारी शेयर करना है क्योंकि बैंकिंग हाउस में काफी बदलाव कर दिया गया और ये 15 मई तक चलेगा और काफी लोग इस तरह की नॉलेज नहीं थी। तो आपको जान लेना है, आपको जब भी जाना है तो आपको 2 बजे से पहले ही जाना है, हालांकि 2 बजे नहीं जाना है। काफी लोग ऐसा करते हैं कि 10-15 मिनट कम रहता तो पहले पहुंचते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना, गेट बंद हो जाता है, आपको आधा एक घंटा पहले ही पहुंच जाना ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। तो बस आपको ये छोटा सा जानकारी शेयर करना था। और दोस्तों हमारे चैनल के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है जिसके लिए मैं भी काफी दुखी हो सकता, आप भी काफी दुखी होंगे। यदि आपको हमारे इस चैनल से काफी बेनिफिट हो रहा है, यदि आपको काफी सुविधाएं मिलेगी, सपोर्ट वगैरह मिल रहा होगा, तो आपको काफी असुविधाएं होने वाली है। जैसा कि दोस्तों अभी क्या है कि कल मेरे पास एक मेल आया था, इसमें बताया गया है कि आपका जो चैनल है वो आपको 7 दिन का टाइमिंग दिया जा रहा है और 7 दिन के अंदर आपका ये चैनल है ये पूरी तरह से YouTube से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस चीज को देखा, काफी ऐसी चकित रहा, हालांकि इसके पहले कुछ दिन मेरे पास एक स्ट्राइक आया था और जिसमें बताया गया था कि इस तरह के आपने कंटेंट यूज किया आपको स्ट्राइक दे रहे हैं। तो हालांकि इसके उन्होंने निवेदन भी किया था कि हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ, तो मैंने यूट्यूब को भी मेल किया था और मैंने कॉन्टेक्ट जो ऑनर था उसको भी मैंने मेल किया था कि हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ तो आप इसे वापस ले सकते हैं और दोबारा इस तरह की गलती नहीं की जाएगी, ठीक है। इस तरह का मैंने अपने मेल किया था, यूट्यूब को भी इनको भी मेल किया था, बट वहां पर क्या हुआ इस तरह कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं मिला। तो मैंने वहां पर वेट किया, मैंने छोड़ी जा दी कोई मिस्टेक हो सकता है और मैंने दोबारा से कंटिन्यू अपने YouTube पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हुआ, चैनल मेरा काफी तेजी से चल रहा था जब से वो स्ट्राइक आया था, उसके बाद मैंने कंटिन्यू वीडियो डालना चालू कर दिया, एक भी दिन ऐसा गैप नहीं था जिसमें वीडियो नहीं डालता था। मैं रेगुलरली वीडियो डालता था और रेगुलर मेरा वीडियो अच्छा चलता था और पर डे अच्छे खासे व्यूज और अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाते थे और मैं भी काफी खुश था। मैंने सोचा कि चलिए तीन महीने की बात है, 3 महीने के बाद स्ट्राइक हटी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने किसी मेंबर को इस तरह की नॉलेज शेयर नहीं की थी, किसी की जानकारी नहीं शेयर की थी, मैंने अपने मन में ही बात रखी थी, हालांकि ये मेरा चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, बीच मुझे एक स्ट्राइक और मिला जिसमें मैं काफी भयभीत हो गया और उस बार मिला तो मैंने छोड़ा, जान दीजिए कोई बात नहीं है। जब दोबारा मुझे इस तरह का स्ट्राइक मिला, हालांकि मेरा जो भी वीडियो सारा फेस स्कैन होता है, मैं कभी कभी क्या करता हूँ फेस स्कैन के साथ मैं बगल में मोबाइल स्क्रीन में दिखाता हूँ, तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सारे यूट्यूबर्स में लाखों यूट्यूबर होंगे यानी कि कई चैनल पे इस तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे देखने को और उस तरह की वीडियो मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल हर चैनल वीडियो आपको मिल जाती है, लेकिन उनको इस तरह का स्ट्राइक कभी नहीं मिला कि मेरे चैनल को स्ट्राइक मिला। तो मैंने सोचा चलिए फर्स्ट टाइम मिला कोई बात नहीं, लेकिन वही बंदा मुझे सेकंड टाइम दे दिया और मेरे दूसरे वीडियो पे दे दिया, उस तरह मैंने थर्ड बार मेरे को दे दिया। तो ऐसे में क्या है, कई बार उसने दिया स्ट्राइक, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये सही है, हो सकता है गलत भी है, फेक भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने YouTube को मेल किया तो YouTube ने बोला कि आपको उन्हीं से कांटेक्ट करना जिन्हें आपको स्ट्राइक दिया, मैंने इसको काफी निवेदन किया है। तो हो सकता है ये अगले 7 दिनों बाद ये चैनल ना रहे, अगर डेट भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर किया था, हालांकि मैंने इसके लिए सुबह ही मतलब रात में ही पोस्ट किया था, पोलो पोस्ट किया था जिसे मैंने बताया था कि काफी दुख की बात है और हो सकता है आप मुझे सपोर्ट करें, यदि सपोर्ट करते हैं
तो उस केस में काफी लोगों ने ये पूछा था सर ऐसा क्या हुआ, मैंने वहां पर मेंशन नहीं किया था कि चैनल बंद होने वाला, मैंने वहां पर केवल यही डाला था कि आई एम वेरी सैड प्लीज हेल्प मी, इस तरह का मैंने डाला था। तो उसमें मैंने लिखा था कि कौन ऐसे लोग जो मुझे सपोर्ट करना चाहिए और कौन ऐसे लोग जो मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो जिसमें मैंने देखा कि उसमें से 10% ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते और जिसमें से 19% ऐसे लोग जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। और काफी लोगों ने मुझे सुबह से ऐसे इतने लोग कॉल किए कि लगभग 100 से ज्यादा कॉल आ चुका कि सर ऐसा क्या बात होगा कि आपका चैनल बंद होने वाला है। हालांकि मैंने कई लोगों को रिप्लाई में दिया था कि चैनल 7 दिन में टर्मिनेट या बंद हो जाएगा। तो यदि आपको इससे काफी सुविधा या काफी बेनिफिट मिल रहे तो आपको दिक्कतें होगी। यदि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हो सकता है मेरा चैनल वापस भी आ सकता है, नहीं भी आता है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अलग से चैनल बनाऊंगा और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, यदि आप सपोर्ट करते हैं तो। यदि नहीं करते तो कोई बात ही नहीं है, दोबारा से आगे देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन आप सपोर्ट करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि कमेंट करने में काफी लोग को दिक्कत है, लिखना वो उनको पसंद नहीं होता है। तो आप यस भी लिख सकते हैं या हाँ भी लिख कर सेंड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अगर मैं दूसरा चैनल क्रिएट करूं आपके सपोर्ट के लिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से चैनल बना दूंगा। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो हो सकता है मेरा चैनल बन भी यानी बच भी सकता है, ठीक है। तो उस चीज की दिक्कत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये शेयर करना चाहूंगा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरह की वीडियो आपको हर चैनल में मिल जाती है। और जिस मैंने YouTube पे सर्च करके देखा भी है कि मेरी तरह वीडियो कई YouTube चैनल मिला हुआ है, उन्होंने भी इस तरह का बनाया लेकिन उनको स्ट्राइक नहीं मिला। हो सकता है आगे स्ट्राइक मिल सकता है, अगर ये सही होगा, इलीगल होगा, लीगल होगा तो आपको ही मिल सकता है, इलीगल होगा तो हो सकता है मुझे जानबूझ के दिया हो। कि काफी लोग को क्या होता है, जब भी किसी का चैनल जब भी कोई ऊंचाई पर चढ़ता है, ऊंचाई की सीढ़ी पर चढ़ता है तो लोग इच्छा करना चालू कर जलन करना चालू कर दे, उसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। हो सकता है किसी को मेरे खिलाफ जलन हो सकता है उन्होंने मुझे स्ट्राइक दिया हो। तो चलिए कोई बात नहीं है, मेरे अंदर उतनी चीजें हैं जो कि मैं लोगों के साथ पहुंचा सकता हूं। आपने बंद किया तो मैं दोबारा से चैनल बनाऊंगा यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो, ठीक। तो बस आपको यही छोटा सा जानकारी शेयर करना था। यदि इसके बारे में विशेष से जानना चाहेंगे तो टाइम मिलेगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं कल से इसके पीछे लगाऊं किस तरह इसको बचाया जाए, अगर बच सकता है तो। काफी लोग की जो ऐसे सुविधाएं जिनको मिल रही थी, काफी बेहतरीन सर्विस मिल रही थी, उनको काफी बेनिफिट होगी। और मेरे इस चैनल से काफी लोग को मतलब सर्विसें मिल रही थी, काफी लोग को बेनिफिट मिल रहा था और साथ में मैं भी काफी खुश था। तो मैं इसके पीछे लगा हूँ, यदि ये हो गया तो ठीक है, अन्यथा आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्या हुआ था कैसे हुआ था। और ये जो वीडियो था ये स्पाइस मनी के बारे में था। मैंने स्पाइस मनी के बारे में दो वीडियो जो मेरा है, दोनों ही मतलब तीनों वीडियो मेरे स्पाइस मनी के ही वीडियो पे स्ट्राइक आया हुआ है। और स्ट्राइक छोटे से केस के लिए हुआ है, हालांकि स्ट्राइक जो मैंने स्पाइस मनी कंपनी नहीं दिया है, ये किसी अदर कंपनी दिया, लेकिन स्पाइस में कुछ ऐसे लोग हैं जिस लोगों से ये लोग मतलब स्ट्राइक दे रहे हैं, ठीक है। तो काफी लोग ऐसे किए हैं और कई लोगों ने यूट्यूबर ने मुझे कॉल भी किया कि सर इस तरह का तो हमने भी यूज किया है, हो सकता हमें भी आ सकता है। तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता आपको आ सके। और मैं आपको ये सारी डिटेल आपको हो सकता है अगली वीडियो बता सकता हूँ, टाइम मिलेगा तो, क्या क्या प्रोसेस था, किस तरह किया गया। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, आपके बस में है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बस यही छोटा सा जानकारी करना था। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, यदि चैनल हमारा रहा तो अगले 7 दिन बाद आपको इसी चैनल में मिल सकते हैं। और जब तक ये चैनल चला तब तक मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा, अन्यथा मैं जैसे ही 7 दिन करीब होता है तो मैं एक अलग से चैनल क्रिएट करूंगा, यदि आप लोग बोलते हैं तो क्रिएट करूंगा, आप लोग उस पर रिडायरेक्ट करके आ जाएंगे और वहां पर नया शुरुआती से नया वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो बस छोड़ो, आपको छोटा सा जानकारी शेयर करना था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।